जी हाँ, स्पाई यूनिवर्स में अब कियारा आडवाणी की भी एंट्री हो गई है। मेरे ख्याल से उनके करियर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहेंगे और सबसे बड़ी फिल्म हम इसे कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ी बात होगी। जूनियर एनटीआर और जो है ऋतिक रोशन साथ में हमें वॉर 2 में देखने को मिल रहा है, उसमें लीडिंग लेडी के रूप में कियारा आडवाणी की एंट्री हो गई है। उनके लिए करियर के लिए तो बहुत ही बड़ी है फिल्म है। और स्पाई यूनिवर्स में अब आप कह सकते हैं कि एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। अगर आप देखें तो पहले से ही अगर आप देखें तो जोया के किरदार के रूप में ऑलरेडी मौजूद है कैटरीना कैफ हैं, फिर वो अभी दीपिका पादुकोण भी आ चुकी हैं पठान के जरिए, उसके बाद अब देखें तो वॉर 2 के जरिए कियारा आडवाणी की भी एंट्री हो जाएगी। तो ज़बरदस्त होने वाला है। वॉर 2 भी एक के बाद एक नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है वॉर के अंदर भी, तो मज़ा आने वाला है। ऑडियंस को भी एक के बाद एक बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है फिल्म अच्छी निकलेगी, बढ़िया होगी। क्योंकि एक के बाद एक अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पाई यूनिवर्स में एक के बाद एक नई नई चीज़ें जोड़ी चली जा रही है। हालांकि टाइगर श्रॉफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और आणि कपूर वगैरह इनका भी खैर इनके तो कोई लेना देना था भी नहीं इतना ज़्यादा स्पाई यूनिवर्स से, लेकिन अगर आप देखें तो बाकी आप देखें तो ऋतिक रोशन के साथ में वॉर 2 में ऑलरेडी अगर आप देखें स्पाई यूनिवर्स में जूनियर एनटीआर की तो एंट्री हो ही रही है, ऐसे में कियारा आडवाणी भी लीडिंग लेडी के रूप में आ रही है, तो मज़ा आ जाएगा। वॉर 2 को लेकर एक के बाद एक नई नई अपडेट्स आ रही है। वॉर 2 भी बहुत ही बड़ी ह्यूज लेवल की फिल्म हो रही है। अब धीरे धीरे अगर आप देखें जूनियर एनटीआर के आने से ही फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल गया। फिर वही बात है कि हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि साउथ में भी फिल्मों को चलाया जा सके। बॉलीवुड की फिल्में साउथ में इतनी चलती नहीं, साउथ वालों की फिल्में यहाँ पर भले ही बहुत चल जाती है और ऑडियंस देखती भी, और वो भी चाहते हैं खूब सपोर्ट किया जाए, लेकिन हमारी फिल्मों को हिंदी फिल्मों को वो लोग सपोर्ट ऐसा करते नहीं, ये सच है। इस वजह से ये चीज़ की जाती है। अगर आप देखें हाल ही में आदि पुरुष में भी प्रभास को लीड क्यों लेकर क्यों किया गया, इतनी महंगी फिल्म बनाते लीड प्रभास को लेकर इसलिए किया गया, किसी बॉलीवुड एक्टर को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि साउथ में फिल्म कमाई नहीं कर पाती और हिंदी से ओवरसीज से उतना बड़ा कलेक्शन उठा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, एक आध एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं जैसे अभी पठान हो गया, लेकिन ये एक्सेप्शनल एक ही केस हुआ है ना बॉलीवुड के इतिहास में, इतने अभी हुए कैसे, तो इसलिए ऐसा किया जाता है, प्रभास को लिया गया। तो इस वजह से देखिए तमिल तेलुगु वगैरह से कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, हिंदी से ज़्यादा रिस्पॉन्स वहीं देखने को मिल रहा है और भाई फिल्म बॉलीवुड की, फिर वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों, क्योंकि प्रभास है उसमें। इसी तरीके से ये चीज़ स्पाई यूनिवर्स में ये लोग कर क्रिएट कर रहे हैं ताकि जूनियर एनटीआर को लेने से वहाँ पर तमिल तेलुगु तरफ काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कियारा आडवाणी के होने से मुझे लगता है फिल्म और बढ़िया देखने को मिलेगी, मज़ा आएगा, फिल्म ज़बरदस्त होने वाली है। वॉर 2 को लेकर ज़बरदस्त इंतजार।